कुछ लोग कभी कभी ऐसे भी लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं अजी हमको बात मत करिएगा, हमको ऐसी बातों से बड़ी छिड़न, हमको क्रोध बहुत जल्दी आता है, या कुछ ऐसा लगता है बता रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी जो जो अवगुण है उनको प्रदर्शन नहीं करना चाहिए कि हमें ज्यादा क्रोध आ जाता है, हमारे सामने ऐसी बात मत करना, हम बड़े क्रोधी किस्म के इंसान हैं। वो उनकी नीचता दिखाई पड़ती है। क्रोध तो वश में होना चाहिए, आपका खुद का अपना प्रसन्नता है, शांति है। अगर मैं आपसे कहूं 8 घंटे प्रसन्न रहिए आप रह सकते हैं, लेकिन मैं कहूं 8 घंटे क्रोध में रहिए आप नहीं रह सकते। जब तक आपको याद रहेगा तब तक आप क्रोधित होंगे, गुस्सा करेंगे, लेकिन जैसे ही आपको याद खत्म हुई, क्रोध नहीं करने की याद नहीं आई, तब आप प्रसन्न हो जाएंगे, आप घुल मिल जाएंगे। क्योंकि ये क्रोध बाहर से लाया जाता है, ये अतिथि है, बुलाया जाता है, ये आपका है नहीं, आपकी प्रसन्नता है, आपका जो कुछ भगवान ने दिया वो शांति है। अब क्रोध का रेगुलेटर आपके हाथ में होना चाहिए, कितना चलना चाहिए, कितना कम करना चाहिए। अब जिसका क्रोध का रेगुलेटर अपने ही हाथ में नहीं है, दूसरों के हाथ में डाल रखा है, आपकी गाड़ी आप खुद चला रहे हैं कि कोई और चला रहा है, कौन चला रहा है? नहीं, भगवान ने तो अगर आपको दे रखी है, भगवान तो चला ही रहे हैं, तभी तो आप चला रहे हैं अपनी गाड़ी। लेकिन हम अपनी गाड़ी खुद भगवान की कृपा से ना चलाकर दूसरों को उसका रिमोट कंट्रोल दे देते हैं। अभी खुद घर में सज धज के तैयार होकर जा रहे थे, अपनी पसंद के कपड़े पहने, अपना ही सब कुछ करा, बस शीशे में देख ले, तसल्ली मिल गई, अब बड़े सुंदर लग रहे। बाहर जाते किसी ने कह दिया क्या पहना है, कितने बेकार लग रहे हो, अब खुद संतुष्ट होकर आए थे शीशे के सामने खड़े होकर घंटे भर से, और उसने कह दिया तो सब बेकार, जरूर अच्छे नहीं लग रहे। हो गई अप्रसन्नता, हो गया दुख, किसके कंट्रोल में चल रहे हैं आप, अपने में या दूसरे के में? किसी ने थोड़ा कुछ कहा लेकिन खुद को तसल्ली नहीं जब तक दूसरा ना कह दे। प्रसन्नता हमें अपने से नहीं मिलती। तो क्रोध का कितना रेगुलेटर, जैसे माताएं गैस को बंद कर देती हैं, फिर फुल कर देती, फिर लो कर देती, हाथ में होता है ना मियाओं के, कितना आग जलानी कितना कम करनी, उसी तरह क्रोध भी आना चाहिए, कितना क्रोध करें कितना कम करें।